जिला कांगड़ा की सुलहा विधानसभा की ग्राम पंचायत मरहू के गांव सूरी चठियाला के 32 वर्षीय अरविंद कुमार जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में शुक्रवार सुबह सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हो गए। अरविंद की शहादत की खबर उनके परिजनों को शुक्रवार दोपहर बाद पता चली। वहीं खबर सुनते ही अरविंद के घर चीखों पुकार से माहौल। मेरा नाम भूपेंद्र कुमार। भूपेंद्र जी, अरविंद कितना साल आपसे छोटा था? मेरे ढाई साल छोटा। ढाई साल छोटा था। आप क्या काम करते हैं? मैं मैसन का काम करता हूँ। और पापा क्या करते हैं? पापा पीडब्ल्यूडी में रिटायर आए। पीडब्ल्यूडी से रिटायर? हाँ जी। अच्छा, घर में कौन कौन है अभी? अरविंद के कौन कौन है, अपने कौन कौन है? मेरा छोटा अरविंद था, मेरी एक सिस्टर है सबसे छोटी, और मदर हैं, फादर हैं। फादर का दिमाग काम नहीं करता। और उसके दो लड़कियां हैं, एक सनमिता और एक सानविका। मेरी भी दो लड़कियां हैं, एक 5 साल की और एक 4 साल की। अरविंद कब भर्ती हुआ था? 2010 में भर्ती हुआ था। 2010 में? हाँ जी। कुछ 12 बता रहे थे, उसका क्या? 2010 में हुआ था। हाँ जी। कौन सी उसमें आर्मी में, रेजिमेंट में कौन सी? एक की पंजाब में भर्ती हुआ था। फिर वहाँ से बोलता था मैं कमांडो बनूंगा, वहाँ से प्रमोट होकर के 500 आदमी में से एक आदमी सिलेक्ट हुआ था। वो अरविंद? हाँ जी, वो अरविंद था। वो हर जगह कहीं भी जाता था नंबर वन पर ही आता था। अभी थोड़े दिन पिछले बार छुट्टी जो आया था, उससे पहले उसकी कैडर चल रहा था हौलदार का। वो हर यानी कंपटीशन में फर्स्ट आता था, इसलिए उसका उसकी लड़की का ऑपरेशन होना था, जो उसके दिमाग यानी जो छेद होता वो खुला था, नाक से मांस आ रहा था बेटी का। हाँ जी। बड़ी वाली की छोटी? छोटी वाली का। और फरवरी में उसके लिए आया हुआ था, जनवरी में उसके लिए आया हुआ था, और उसका ऑपरेशन हुआ दिल्ली R&R हॉस्पिटल में। उसके बाद वो 9 फरवरी को चला गया। कल क्या खबर आई आपके पास? हाँ जी, उन्होंने बोला कि आपके भाई को सीरियस है, आप घर चले जाओ। मैंने बोला क्या हुआ बता दो। उन्हें आपके भाई सीरियस है और आप घर में जा कर के सब कुछ संभालो। मैं घर आ गया और उधर देखा मम्मी, मेरी मदर को पेट में दर्द थी। फिर मैं दवाई लेने के लिए गया और थोड़ी देर के बाद फोन आया कि वो देश के लिए शहीद हो गए। अभी जो संपर्क हो पाया उनसे, क्या बातचीत हुई है, कब तक आ जाएंगे, और यहाँ सेना की ओर से कौन कौन आया? अभी आला लाल से आए हुए थे से, मेरे को तो मालूम नहीं। दो आदमी आए हुए थे, वो यहाँ पे रास्ता देख के गए। और अभी उधमपुर से फोन आया था कि अभी वहाँ से चल पड़े हैं। क्या और कब तक पहुँचने की संभावना? उन्होंने बताया कि 3 बजे तक पहुँच जाएंगे, उसके बाद वो होल्टा में जाएंगे और सुबह आएंगे यहाँ पे। मेरा नाम संजीव कुमार। संजीव कुमार जी, अरविंद जी क्या लगते थे आपको? अरविंद मेरा भांजा लगा था। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप, कब भर्ती हुए थे, थोड़ा सा डिटेल में जानना चाहेंगे अरविंद के बारे में? भर्ती 10-12 साल पहले हुआ था भर्ती। हाँ, 2012 के करीब। और इसको पहले से बचपन से भर्ती का बहुत ज़्यादा शौक था। बचपन में भी जो है ये बहुत मतलब अलग स्वभाव का लड़का, एक जुनूनी लड़का था। यहाँ कोई भी काम करता था मतलब उसके अंदर उसका जुनून था। जुनून, यहाँ नदी देख रहे होंगे आप, नदी जो है बाढ़, इसमें भारी पानी आता था फिर भी वो छलांग लगाता था इसमें, मतलब एक अलग टाइप का आदमी था। और बचपन से इसको जो है सेना में जाने का बहुत ज़्यादा शौक था। ये 21 पंजाब में जो है भर्ती हुआ। भर्ती होने बाद मैं खुद आर्मी में था, आर्मी में मैं उस टाइम NSG में था, मैं कमांडो में था। ये मेरे को बोलता था मेरा भैया आप कमांडो में हो, ऐसे ऐसे इसको कमांडो का बहुत ज़्यादा शौक था। ये बोलता भैया, बोलता मैं कमांडो में जाना है, बोलता मैं सब में जाना। तो ये जो है उस टाइम जो है मैं अपने पंजाब रेजिमेंट में था, लेकिन इसके अंदर जुनून था जाने का। SF 9 SF के लिए जो है सिलेक्शन के लिए बहुत हजारों लड़के आए थे, उसमें जो है नंबर वन पे आया लड़का, 3 सिलेक्ट हुए जिसमें नंबर वन पे था। और उसके बाद जो है अभी NSG से आया था, 3 साल के करीब NSG का ऑडिशन। NSG में भी जो है नंबर वन मेरा 4 उतर।
ये जर्मन में गया कम्पीट करने के लिए, वहाँ जो है एशएफ होती है अलग अलग जो है, वहाँ आए थे तो वहाँ कम्पीट करने के लिए गया था कम्पटिशन के लिए, वहाँ भी नंबर वन में आया। उसके बाद एनएसजी में बेस्ट परफॉर्मेंस, तो कई इसने अवार्ड लिए बेस्ट परफॉर्मेंस के, वो ट्रेनिंग देता है लड़कों को भी बहुत। उसके बाद जो है मैगजिम जो है सर्च ऑपरेशन में जाता था लड़का, अभी जो है बताते नहीं है, सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह भी होती है, जो भी होता था एसएफ के जाते हैं, तो ये तो पता नहीं है, लेकिन जो है ये बहुत ही मतलब जो है इस टाइप फाइटर लड़का था, फाइटर आगे मतलब कभी ये कहीं इसने पीछे पीठ नहीं दिखाई, ये आगे हमेशा आगे जाता था, फ्रंट फुट पे रहता था, इसलिए जो है आज भी जो है आज दुख इस बात का कि फाइट करते हुए मरते तो ठीक था, दुख यह है कि जिस मुखबिर ने इनको सूचना दी उसी मुखबिर ने जो है दूसरों को आतंकवादियों को सूचना दी, जिसके कारण जो इतनी ट्रेडी हो गई, नहीं तो जो अगर ये फाइट करते तो नहीं होता, अगर ग्रेनेड का हमला नहीं करते, ऊपर से नहीं फेंकते, ये नीचे थे, अगर वो आतंकवादी ऊपर थे हाई डोट में उनका बना होगा कुछ, अगर ऊपर से नहीं फेंकते अगर सीधी होते तो ये नहीं, इन्होंने बहुत ऑपरेशन किए इस लड़के ने। अब इनके परिवार में कौन कौन है? अभी इनका एक भाई है बैठा महेंद्र, और इनके खासकर जो है तो छोटे छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, छोटी छोटी बच्चियाँ हैं तो अभी दाखिल की हैं इसमें, एक एक हाँ एक लड़की दाखिल अभी की है, उसको उनको पता नहीं है कि मेरे पापा ऐसे हो गए, वो जो है इतनी उनकी घरवाली की तो स्थिति देख रही है। सिटी चैनल के लिए धर्मशाला से रिपजित निपी की रिपोर्ट।